कांग्रेस खुद को शैतान मान रही है। इस बात की शिनाख्त खुद कांग्रेस नेताओं ने निर्वाचन आयोग में शिकायत करके साबित की है। ये बात बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा और राजेश सोनकर ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। सावेर चुनाव की जंग जीतने के लिए भाजपा ने एक विज्ञापन दिया जिस पर लिखा है, ये घड़ी है सावेर के इम्तिहान की, ये लड़ाई है साधु और शैतान की। इस विज्ञापन पर सियासत गर्मा गई और कांग्रेस इसकी शिकायत लेकर जिला निर्वाचन आयोग पहुंच गई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव ने SC/ST एक्ट के तहत उमेश शर्मा पर कार्रवाई करने की मांग की। अब इसे लेकर भाजपा आक्रामक हो गई है। भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर ने कहा कि कांग्रेस हार के डर से बौखलाई है। सावेर के विकास में कांग्रेस लगातार बाधा डाल रही है। जीतू पटवारी लगातार अभद्र भाषा बोल रहे हैं, मतदाताओं को धमका रहे हैं। सावेर की जनता विकास चाहती है। पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों के समक्ष ही उस व्यापारी का नाम भी बताया, वो पैसा कहाँ से आया था, किसका आया था, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने उसको भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए वो पैसा भारतीय जनता पार्टी का बताने का प्रयास किया। निरंतर जीतू पटवारी हों चाहे प्रेमचंद गुड्डी हों, मतदाताओं को भी धमका रहे हैं, उनको भी अनर्गल बातें कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं कि चुनाव के बाद हम आपको देख लेंगे और हमारी चक्की बहुत बारीक पीसती है। इस प्रकार की भाषाएं निरंतर उनकी तरफ से की जा रही है, लेकिन वो शायद इस बात को भूल गए हैं कि ये दिग्विजय सिंह जी का जो 10 साल का शासन था, जब 1998 से 2003 तक प्रेमचंद गुड्डू सांवेर के विधायक थे और उन्होंने पूरा आतंक और भय का वातावरण सांवेर में बना रखा था, पूरा गुंडा राज उस समय सांवेर में था। अब ये 15 साल में उन गुंडों पर भी अंकुश लग गया है, सांवेर की तस्वीर बदल गई है, सांवेर में अब विकास चारों तरफ हो रहा है और सांवेर की जनता सिर्फ और सिर्फ विकास को चाहती है। सांवेर के विकास को हम किसी प्रकार से अवरुद्ध नहीं होने देंगे और जिस प्रकार से वो आतंक का भय का वातावरण बनाना चाह रहे हैं वो ना तो सांवेर की जनता होने देगी और ना ही भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता या नेता उस बात को बर्दाश्त करेंगे। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा ने कहा कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव ने निर्वाचन आयोग में शिकायत करते हुए SC/ST एक्ट को लेकर मुझ पर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि हमने विज्ञापन में किसी का नाम अंकित नहीं किया, लेकिन सदाशिव यादव ने खुद की और कांग्रेस की शैतान के रूप में शिनाख्ती कर दी। मेरा बेटे ने तो बहुत छोटा सा मुझे 30-35 सेकंड का ही निकाल के दिया था, तो उनका बड़ा लंबा भाषण है, तो खैर वो आज की PC का विषय नहीं। मूल विषय ये है कि उन्होंने थाने में शिकायत करी है कि ये साधु और शैतान का जो विज्ञापन है ये हमारे खिलाफ है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इस पूरे विज्ञापन में हमने क्या साधु की पहचान चिन्हित करी? हमने ना तो साधु के गुण चिन्हित करे हैं और ना शैतान की शिनाख्ती करी है। हमने तो पहली लाइन में ये स्पष्ट कर दिया है कि ये घड़ी है सांवेर के इम्तहान की। ये निर्णय सांवेर का मतदाता करेगा कि साधु कौन है और शैतान कौन है। और साधु और शैतान से अभिप्राय ये है कि समाज में पौराणिक काल से सनातन काल से दो तरह की वृत्तियां रही हैं, एक तामसी आचरण रहा है, एक सात्विक आचरण रहा है। कुछ वृत्ति दुराचारी होती है, कुछ शक्ति जो होती है वो सदाचारी होती है। अगर त्रेता में ताड़का थी तो त्रेता में ही शबरी भी थी, तो शबरी सात्विक थी, ताड़का तामसी थी। रामत्व है तो रावण भी पाया जाता है, अगर कंस भाव आता है तो धरा पर कृष्ण का भी अवतरण होता है। तो समाज में हमेशा से सज्जन शक्ति होती है और दुर्जन शक्ति भी होती है। अब इस दुर्जन शक्ति और सज्जन शक्ति के बीच का अंतर करने का जो निर्णय का अधिकार होता है वो सदैव भारत की समाज रचना को रहा है। भारत का समाज तय करता है कि कौन व्यक्ति सात्विक है, कौन व्यक्ति तामसी है। भारत का समाज तय करता है कि कौन व्यक्ति जो है जनप्रतिनिधि के रूप में अनैतिक कार्यों में लिप्त है और कौन व्यक्ति ऐसा है जो हमारा जनप्रतिनिधि चुना जाना चाहिए। तो हमने तो केवल इतना सा कहा कि लड़ाई है साधु और शैतान की और ये घड़ी है सावेर के इम्तहान की। अब सावेर के मतदाता इस बात का निर्धारण करेंगे। हमने तो कहीं नहीं कहा कि हम साधु हैं और हमने तो राय बराबर भी नहीं कहा कि आप शैतान हैं। आप ही थाने में खर्रा लेकर चले गए कि हम शैतान कहा हमको, मतलब आपने अपनी शिनाख्ती परेड खुद करा दी। मेरे पे तो 33 मुकदमे लगे, 32 बार से अधिक बार जेल गए हूँ। जेल के अंदर जाओ राजनीतिक मुकदमों में तो वो निशान पूछते हैं कि मनी भी आप तो क्राइम भी देखते रहे कि निशान बताओ, तो चिन्ह लगाते हैं
तो सदाशिव यादव जी ने जाकर मेरे खिलाफ जैसे ही शिकायत दर्ज करी है तो उन्होंने निशान बता दिया कि हाँ हम शैतान है। बहरहाल सावेर उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। दोनों ही पार्टियों के लिए सावेर सीट प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बांड न्यूज, इंदौर।